पिछले 4 महीनों में हमारी दुनिया एकदम बदल गई है। लाखों लोगों की जान चली गई। इन सब पर कोरोना वायरस का कहर टूटा है और जो लोग इस वायरस के प्रकोप से बचे हुए हैं उनका रहन सहन भी एकदम बदल गया है। ये वायरस दिसंबर 2019 में चीन के वुहान शहर में पहली बार सामने आया था। उसके बाद से पूरी दुनिया में सब कुछ उलट पुलट हो गया। शुरुआत वुहान से ही हुई जहाँ पूरे शहर की तालाबंदी कर दी गई। इटली और अमेरिका में इतनी बड़ी तादाद में वायरस से लोग मरे कि वहाँ दूसरे विश्व युद्ध के बाद से पहली बार लोगों की आवाजाही पर इतनी सख्त पाबंदी लगानी पड़ी। ये सारे कदम इसलिए उठाए गए हैं ताकि नए कोरोना संक्रमण को फैलने से रोका जा सके। इन पाबंदियों का एक नतीजा ऐसा भी निकला है जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। अगर आप अपने ही शहर में निकलें तो पूरा मंजर बदला नजर आता है। सुबह अक्सर नींद अलार्म से नहीं परिंदों के शोर से खुलती है जिनकी आवाज़ भी हम भूल चुके थे। चाय का मग लेकर जरा देर के लिए बालकोनी में जाएं तो नज़र ऐसे आसमान पर पड़ती है जो अजनबी नज़र आता है। सड़कें वीरान तो है मगर मंजर साफ हो गया है। गंगा और यमुना नदी तो इतनी साफ हो गई है कि पूछिए ही मत। सरकार हजारों करोड़ रुपए खर्च करके जो भी काम नहीं कर पाई उसे लॉकडाउन ने चंद दिनों में कर दिखाया है। ऐसी ही तस्वीरें दुनिया के तमाम दूसरे शहरों में भी देखने को मिल रही है। इसमें शक नहीं कि कोरोना वायरस दुनिया के लिए काल बनकर आया है। इस नन्हे से वायरस ने हजारों लोगों को अपना निवाला बना लिया। अमेरिका जैसी सुपर पावर देश की हालत बद से बदतर कर दी है। इन चुनौतियों के बीच एक बात 100% सच है कि दुनिया का ये लॉकडाउन प्रकृति के लिए बहुत बड़ा वरदान साबित हुआ है। लॉकडाउन की वजह से तमाम फैक्ट्रियां बंद है, यातायात के तमाम साधन बंद हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अर्थव्यवस्था को भारी धक्का लग रहा है। लाखों लोग बेरोजगार हुए हैं। शेयर बाजार मुंह के बल आ गिरा है। लेकिन अच्छी बात यह है कि कार्बन उत्सर्जन रुक गया है। अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर की ही बात करें तो पिछले साल की तुलना में इस साल वहाँ प्रदूषण 50% कम हो गया है। इसी तरह चीन में भी कार्बन एमिशन में 25% की कमी आई है। यूरोप की सैटेलाइट तस्वीरें ये बताती है कि उत्तरी इटली से नाइट्रोजन डाइऑक्साइड उत्सर्जन कम हो रहा है। ब्रिटेन और स्पेन की भी कुछ ऐसी ही कहानी है। कुछ लोगों का कहना है कि इस महामारी को पर्यावरण में बदलाव के तौर पर नहीं देखा जाना चाहिए, लेकिन हमारा उनसे कहना है कि ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है कि किसी महामारी के चलते कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर कम हुआ हो। इतिहास में इसके कई उदाहरण मिलते हैं। यहाँ तक कि इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन से पहले भी बदलाव देखा गया था, चाहे वो 14वीं शताब्दी में यूरोप में आई ब्लैक डेथ हो या अफ्रीका का चेचक, सभी ने इसी तरह के उदाहरण पेश किए हैं। आज हम मेडिकल साइंस के लिहाज से काफ़ी आगे बढ़ चुके हैं, लिहाजा उम्मीद यही है कि इस कोरोना वायरस से उतनी मौतें नहीं होगी जितनी पिछली सदियों की महामारियों में हो चुकी है। इसलिए पर्यावरण में बहुत बदलाव भी संभव नहीं है। ये बदलाव महज उतना ही होगा जितना कि 2008-09 की मंदी के दौरान देखा गया था। फैक्ट्रियां बंद हो जाने की वजह से उस समय भी कार्बन उत्सर्जन में कमी आई थी। फैक्ट्रियां, खेती और निर्माण क्षेत्र से 18.4% कार्बन उत्सर्जन होता है। 2008-09 की मंदी के दौरान यह उत्सर्जन 1.3% था, जो 2010 में हालत ठीक होने के बाद बहुत तेज़ी से आगे बढ़ा था। जिस तरह से मौजूदा समय में जान बचाना लोगों की प्राथमिकता बना हुआ है, वैसे ही लोगों को पर्यावरण के प्रति चिंतित कराया जाना जरूरी है। पर्यावरण कार्यकर्ता ग्रेटा थनबर्ग की तरह इसे एक मिशन के तौर पर लिया जाए। ग्रेटा इस मुश्किल समय में भी डिजिटल प्लेटफॉर्म से अपना मिशन आगे बढ़ा रही है। पर्यावरण पर इसी साल नवंबर महीने में COP26 की मीटिंग स्कॉटलैंड के ग्लासगो में होने वाली है, जिसमें दुनिया भर से 30,000 प्रतिनिधि हिस्सा लेंगे। पर्यावरण को बचाने के लिए लोगों को अपनी आदतें बदलनी होगी। अगर वो खुद नहीं बदलते हैं तो उन्हें जबरन बदलवाना पड़ेगा, जैसे जापान के क्योटो शहर में हुआ था। साल 2001 में यहाँ मोटर वाले रास्ते बंद कर दिए गए थे और लोगों को पब्लिक व्हीकल इस्तेमाल करने को मजबूर किया गया। धीरे धीरे यह लोगों की आदत में शामिल हो गया। जब दोबारा रास्ते खुले तो भी ज़्यादातर लोग सार्वजनिक परिवहन का ही इस्तेमाल कर रहे थे, लेकिन इसके लिए सरकारों को सार्वजनिक व्हीकल की स्थिति पहले बेहतर करनी होगी। कोरोना वायरस की महामारी ने ना जाने कितनों से उनके अपनों को हमेशा के लिए जुदा कर दिया है। हमारे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर इसका बहुत नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। ना जाने कितनों को रोजगार खत्म हुआ है। अर्थव्यवस्था पटरी पर कब लौटेगी ये भी कहना मुश्किल है। लेकिन इस महामारी ने एक बात साफ कर दी कि मुश्किल घड़ी में सारी दुनिया एक साथ खड़ी होकर एक दूसरे का साथ देने के लिए तैयार है।
तो फिर क्या यही जज्बा और इच्छा शक्ति हम पर्यावरण बचाने के लिए जाहिर नहीं कर सकते? हमें उम्मीद है इस समय का अंधकार हम स्वच्छ और हरे भरे वातावरण से मिटा देंगे। हमें उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक करें। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताएं। और अभी तक आपने हिंदी सदाचार को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। आपको ऐसे ही वीडियो मिलते रहेंगे।